मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह नहीं कहता, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप मुझे यूं माथे पर त्रिपुंड, तिलक चंदन ऐसे देख रहे होंगे। आज का दिन साथियों बाबा बेतालेश्वर महादेव के मंदिर में बीता। आज वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया था, तो पूरा दिन अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था। उसके बाद जब ऊपर आया, नंदा देवी मंदिर में था, तो अचानक से मुझे एक फोन आया कि आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया गया है कि आपके जवाब इस तरीके से कि आपको जवाब दिया गया, तो मुझे लगा देखना चाहिए। देखा तो छोटे भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें लिखा था कि आपको जवाब। 2 दिन बाद भाई का वीडियो आया और उसमें भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों को भ्रामक तरीके से विद्यार्थी समुदाय को बरगलाने के लिए, अपना झूठ फैलाने के लिए जो वीडियो बनाया गया था, तो मुझे लगता है कि उन सारी बातों का जवाब देने के लिए ये वीडियो जरूरी हो जाता है। तो ज्यादा ना कहते हुए सबसे पहली बात से शुरुआत करते हैं। और मैं भाई से कहना चाहता हूं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप पैराशूट कैंडिडेट हैं, आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखने की जरूरत है, लेकिन हम बीते 10 सालों से इस कैंपस में हैं। मैंने अपनी पूरी जवानी इस कैंपस में बिताई है, छात्र हितों के लिए बिताई है मेरे भाई। तो हमारे पास, हम 2-3 दिन बाद वीडियो का जवाब नहीं देते, हम पहले दिन बातों का जवाब देते हैं और पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ इस बात का जवाब देते हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आपने कही थी कि राजस्थान वाली बात, बार बार ये नहीं कहूंगा कि वहाँ क्या हुआ, सब मुझे लगता है कि 2-3 दिन से सब कोई जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ, विगत 1-2 महीनों से भी सब कोई जानते हैं। तो आप कह रहे थे कि वहाँ परिषद के कार्यकर्ताओं ने वह चीज़ नहीं की। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ, मैं बताता भी क्या हूँ, पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ एक, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ये मैंने नहीं अपलोड करे हैं, ये आप इंटरनेट खोलेंगे, आप गूगल खोलेंगे, आप कहीं पर भी डालेंगे कि इस न्यूज़ के बारे में, तो आपको सामने सामने आपके सबूत मिल जाएगा। मुझे लगता है कोई भी इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। और जो भाई कह रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया बोल रहा है। ठीक है, ये रही आपकी पहली बात। दूसरी बात, भाई कह रहा था कि मैं लाइव आकर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे भाई, सचेत रहो, जागरूक रहो। इस जो आपने वीडियो बनाई, इसे लाइव वीडियो नहीं कहते हैं, इसे रिकॉर्डेड वीडियो कहते हैं। मुझे लगता है आपको इस बात को समझना चाहिए। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात साथियों, आपने परसों देखा होगा कि भाई ने जिस तरह महादेव का अपमान किया। आप बोल रहे थे कि मैं भोले बाबा की आप मैं तपस्या कर रहा था, मेरी तपस्या इन कॉलेज में आम छात्रों के बीच उनका काम करना है, मुझे किसी भगवान को फूल पत्ते चढ़ा के मुझे कुछ नहीं करना, ये आम छात्र मेरे भगवान है, मैं इनकी सेवा के लिए आया हूँ, मेरी भक्ति इस कैंपस में है। आप जाइए उन हिमालयों में, जाइए मंदिर में जाके अपनी सेवा कीजिए, छात्रों का हितों का काम आपके बस की बात नहीं है, आप सिर्फ नारे लगा सकते हैं। भाई कह रहा था कि अब तिलक चंदन चढ़ाओ, आप फूल पत्ती चढ़ाओ। मेरे भाई, उसे फूल पत्ती नहीं कहते, पहले तो उसे बेलपत्री कहते हैं, उन पत्तों को जो आप जिनको फूल पत्तियां कह रहे थे। और जिस तरह आपने महादेव का अपमान किया, मुझे लगता था कि आप इसके लिए लोगों से माफी मांगेंगे, सभी के सामने आकर क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हाँ गलती हुई है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आपका अहंकार ही होगा। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं बाबा बागनाथ की धरती से आता हूँ। तो मेरे भाई, पहले तो मैं बाबा बागनाथ को कोटि से प्रणाम करता हूँ। ये कोइंसिडेंस ही है कि मैं कुछ दिनों बाद वहां जाने वाला हूँ और आपने उनका नाम लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपने इस बात को सीधे सीधे गुरु से जोड़ दिया। आपने एक श्लोक कहा, एक पवित्र श्लोक है जो हमारे शास्त्रों में प्रयोग किया गया है, शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर मेरे भाई, जिस श्लोक का आपने प्रयोग किया है, यहाँ पर गुरु का जो अर्थ है, वहां गुरु का प्रयोग इन अर्थों में किया गया है कि गुरु वह है जो विद्यार्थी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है, संयम त्याग तपस्या से जो विद्यार्थी को उन्नत भविष्य प्रदान करता है, वह असलियत में गुरु है, वह गुरु ब्रह्मा के समान है। यहाँ पर गुरु का अर्थ इस बात से लिया गया। लेकिन आप जिन गुरुओं की बात कर रहे हो, वह प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए वे लोग हैं जिनके साथ छात्र हित सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि वहां उनके सामने मत बोलो। मेरे भाई, हम गूंगे बहरे बनकर नहीं बैठे रह सकते। मैं मानता हूं कि आपके वह संगठन के कुछ पदाधिकारी रहे हैं, आप उनके सामने कुछ नहीं बोलते, आप वहां गूंगे बहरे बनकर बैठे रहते हैं, आप उनकी कुर्सियों पर बैठकर चाय समोसे का मजा लेते हैं, लेकिन मेरे भाई आप गलत करते हैं। हम उनसे नहीं बोलेंगे, उनसे छात्रितों की बात नहीं रखेंगे, तो किनसे रखेंगे? आप मानते होंगे उन तथाकथित भगवान, हम नहीं मानते। हमारे लिए वे केवल प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे हुए वे लोग हैं जिनके साथ छात्र हित जुड़े हुए हैं, और केवल उन्हीं से नहीं, वहां पर जो भी बैठेगा, हम उनसे छात्र हितों के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी पूरी अपनी बात कहेंगे। बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार क्या रहा है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। रोज टीचर्स कैंपस में, पूरा कॉलेज देखता है, सारे टीचर्स देखते हैं, और जिनके साथ हमारे ऐसे संबंध है, मुझे लगता है बताने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई कह रहा था कि आपने माँ बहन की गाली देते हो। मेरे भाई, ऐसी बातें मत कहा कर, तुमसे झूठी बातें ऐसे कहने, मुझे लगता है तुम्हें तो शर्म आती नहीं होगी, लेकिन जब हम इनका जवाब देते हैं तो खुद से मुंह से बातें कहनी पड़ती है, तो बुरा लगता है। आपके पास एक भी ऐसा सबूत है कि जहां पर मैं टीचर सब गाली गलौज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक भी वीडियो आप दे दो, मैं सोशल मीडिया से आज ही इस्तीफा दे दूंगा, मैं कभी सोशल मीडिया में नहीं आऊंगा। लेकिन जिन तथाकथित भगवानों की आप बात कर रहे हो, कि जिन गुरुओं को आप तथाकथित भगवान मान बैठे हो, जो आपके संगठन के ही पूर्व पदाधिकारी हैं, जहां पर आप गूंगे बहरे बनकर बैठे रहते हो, उनकी कैसी भाषा प्रयोग की जाती है, इसके सबूत मैं आपको दे सकता हूं। मैं चाहूं
तो पीछे जो स्क्रीन चल रही है वहां पर उसका वीडियो लाइव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई उनका भी सम्मान है, हमारे हृदय में उनके लिए भी सम्मान है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उस बात को आप लोग देखें, मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो लोग इस बात को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, जो लोग हमारी इस बात को सुन रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल में कुछ एक 10-20 वीडियो पूर्व जाइए, आपको दिख जाएगा कि वे इनके तथाकथित, जो आपको पता ही है कि वह कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पहले भी आपने देखा है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसी गलत बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं कर सकता हूं वीडियो पोस्ट, लेकिन नहीं, इतने संस्कार मेरे अंदर हैं कि मैं ऐसी चीजें नहीं करता। और तीसरी बात, भाई कह रहा था कि अच्छे काम कैंपस के लिए करें, कैंपस में छात्रित्व की बात करें, तो मेरे भाई कुछ दिन पहले कैंपस में आकर, हॉस्टल जाकर, इधर उधर जाकर 2 मिनट की रील बनाकर, उसके ऊपर गाने लगाकर, इधर उधर बवाल करके तुमने माहौल खराब करने की कोशिश करी है। हम पिछले 9 साल से, ये 10वां साल चल रहा है मेरे भाई, मैं पिछले 9 साल से कैंपस में हूँ और पूरा छात्र समुदाय गवाह है, इस परिसर की एक एक ईंट गवाह है, इस परिसर का फर्श गवाह है, पूरा समाज गवाह है कि हमने छात्रित्व में कितने काम किए और आपने छात्रित्व में कितने काम किए। तो ये 1-2 महीने में जो आप पैरासूट कैंडिडेट बनकर आ रहे हो और ऊपर से बरगलाने की छात्र समुदाय को जो बातें कर रहे हो, मुझे लगता है छात्र समुदाय सब कुछ जानता है। और मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि 2023 का ये युवा है, ये सब कुछ जानता है। अगली बात, मेरा भाई कह रहा था कि आप क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग क्रांतिकारी बनने का ऐसा क्यों करते हो? तो मेरे भाई मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्रांतिकारी बनने में आपको शर्म क्यों आती है? क्रांतिकारी होना शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। मैं चाहता हूं कि भारत का एक एक बच्चा क्रांतिकारी बने, उत्तराखंड प्रदेश का एक एक बच्चा क्रांतिकारी बने, हमारे प्रदेश का एक एक, हमारे प्रदेश का, हमारे परिसर का एक एक विद्यार्थी क्रांतिकारी बने। आखिर क्रांतिकारी होने में शर्म की बात क्या है? आप लोगों को होता होगा इस बात पर धिक्कार की, लेकिन हमें नहीं होता मेरे भाई। छात्र राजनीति में अगर आप क्रांतिकारी नहीं हो, छात्र राजनीति क्रांति से ही शुरू होती है, क्रांति का अर्थ ही होता है परिवर्तन, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध परिवर्तन ही क्रांति कहलाती है। आप लोगों को मुझे धिक्कार होता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को क्रांतिकारी कह रहे में भी आपको शर्म महसूस होती है। मेरे भाई ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आखिर छात्र समुदाय जब अपनी बेबाकी से अपनी बात परिसर प्रशासन के सामने रखता है, तो आखिर आप लोगों की आंखों में वह बात इतनी चुभती क्यों है? अपने हितों की बात करना आखिर कहां पर गलत है? और छात्र राजनीति मेरे भाई मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिए। आपकी तरह नहीं कि किसी संगठन विशेष को या किसी पार्टी, हाँ मैं कहना चाहूंगा पार्टी को, पार्टी के पैरों पर अपना जमीर रख देना छात्र राजनीति नहीं कहलाता मेरे भाई। और दूसरी बात आप कह रहे थे, तो मैं दूसरी बात को भी फिर और कहूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो क्रांतिकारी होने की बात करते हो, हमारे लिए गर्व की बात है, हमें क्रांतिकारी होना पसंद है और हम क्रांतिकारी हैं। जो आप कह रहे हो कि बनने की कोशिश करते हो, बनने की कोशिश नहीं करते, हम चाहते हैं कि पूरा छात्र समुदाय क्रांतिकारी बने, उन्हें छात्र नेताओं की जरूरत ही ना पड़े, वे अपना कार्य करने में इतना सक्षम हो कि उन्हें छात्र नेताओं की इस कैंपस से वजूद खत्म कर दिया जाए। उसके बाद भाई कह रहा था कि एबीवीपी ने आपको बहुत दिया और आपने उसके बाद उसी का हाथ काट दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मेरे भाई एबीवीपी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है मेरे भाई, लेकिन जहां पर उन्होंने गलतियां करी हमने उस गलत का विरोध किया, लेकिन उस गलती की सजा उन्होंने हमें ये दे दी कि जिस सच्चाई को हमने उनसे कहा, उन्होंने कह दिया आप हमारे संगठन से बाहर चले जाओ। ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा अनेकों के साथ हुआ है, तो आप लोगों को मुझे लगता है बातें पता होंगी। लेकिन आप चाटुकारिता आपके दिमाग में इतनी घुस गई है, आपके दिमाग में ये बात इतनी घर कर चुकी है कि आप लोग सच्चाई देख नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि आपके आंखों से ये पर्दा हटना चाहिए और सच्चाई आपको दिखनी चाहिए। उसके बाद मेरा भाई ये बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी मुझे बात लगी, पहले तो मैंने इससे पिछली वीडियो में भाई की इस बात को इग्नोर किया, मेरा भाई मेरे माता पिता के लिए कुछ बोल रहा था, मैंने पहले दिन उस बात को इग्नोर किया, लेकिन आज फिर से मेरे भाई ने वही वाली बात करी। वह कहता है कि एक प्रवृत्ति का बच्चा जिसके पिताजी उसे थप्पड़ मार दें तो वह पड़ोसी को पिताजी बुलाने लगता है। मेरे भाई सबसे पहले तो मैं इस बात से मुझे बहुत दुखी हुआ मेरे भाई, मेरे तो सबसे पहले मेरे परिवार ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के माता पिता के लिए कुछ बोलूं। लेकिन मुझे लगता है आपके संस्कार आपकी बात में प्रदर्शित हो रहे हैं, आपके धनबल का जो आपको एक घमंड है, जो आप परिसर में फिलहाल कुछ दिन से बोल भी रहे हैं, ये घमंड आपकी आपके संस्कारों को दिखा रहा है। और एक व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी के माता पिता को या किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है। मुझे आप धिक्कार होता है मुझे आप, और आपको परिषद का कार्यकर्ता कहने में मुझे धिक्कार होता है। परिषद आपको ये सिखा रहा है तो मुझे लगता है परिषद भी आखिर गलतियों में चल रहा है, अगर परिषद आपको ये चीजें सिखा रहा है तो मेरे भाई ये काफी ज्यादा गलत बात है। और आपके जैसे जो आपके माता पिता है वे मेरे भी माता पिता, मैं कभी ऐसी बात, मेरा जमीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। आपको कहना और कह लो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के माता पिता के लिए ऐसी गलत बात कहूँ। आपको इस बात को सोचना चाहिए मेरे भाई, इस बात से मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा मेरे भाई, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता के समान। उसके बाद भाई एक बात कह रहा था कि हर संगठन रहा, मेरे भाई सबूत दो कहाँ। दूसरी बात आपने करी सुनील सिंह 2000 में, सन मुझे मैं भूल रहा हूँ, सन अक्षित जी अध्यक्ष रहे, सबसे पहले अशोक जी रहे, फिर अक्षित जी रहे, उसके बाद अक्षय भाई रहे, उसके बाद शायद सुनील सिंह रहा, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। सुनील सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, सुनील सिंह
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यक्रम में आता था, प्रत्येक उसके जो भी कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक बैठक में सुनील सिंह मौजूद रहा। लेकिन जब उसने हमारी तरह साथियों पिछली बार जैसा हमारे पास वाक्य रहा वैसा ही वाक्य उसके साथ भी हुआ था, लेकिन तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, हमारे समय में तो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था। उस समय होता तो मुझे लगता है कि तब से विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में हमेशा के लिए निपट चुका होता, जैसे उस साल निपटाया गया था विद्यार्थी समुदाय के द्वारा। तो विद्यार्थी समुदाय, तो सुनील सिंह ने जब टिकट मांगा तो उन्होंने कह दिया नहीं आपको टिकट नहीं देंगे, और उसे दुत्कार कर इन्होंने बाहर कर दिया। उसने क्या किया, उसने दूसरे संगठन से जाकर चुनाव लड़ा। मेरे भाई तुम कह रहे हो कि दूसरे संगठन में चला गया तो चेक करना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उस बार भी सुनील सिंह को छात्र समुदाय ने भव्य वोटों के साथ जितवाया था, 663 वोटों के साथ आपके संगठन को हराकर बाहर फेंक दिया था। ये हम मैंने नहीं करवाया था मेरे भाई, छात्र समुदाय ने कराया था। जब जब आपने गलतियां करी हैं विद्यार्थी समुदाय ने लताड़कर आपको इस कैंपस से बाहर फेंक दिया है। तो मुझे लगता है जब तक आपको तथ्यों की पूरी जांच परख आप ना कर लें तब तक किसी बात को बोलना नहीं चाहिए। हर संगठन में रहा ऐसा बता दो और किसी संगठन में रहा, तो मेरे भाई चीजों को थोड़ा समझो, चीजों को थोड़ा परखो, उसके बाद चीजें बोलनी चाहिए। उसके बाद भाई एक चीज और कह रहा था, भाई के पहले आप शब्द सुनिए। भाई कह रहा था एक टाइगर ग्रुप का सरगना। मेरे भाई सबसे पहले एक बात सुनो, सरगना डाकुओं माफियाओं के गिरोह के सदस्यों को कहते हैं, उसके सरदारों को कहते हैं कि सरगना है। अगर आप टाइगर ग्रुप के किसी हेड उसको सरगना कहते हो तो मुझे लगता है आप इसी को नहीं, पूरे छात्र समुदाय को आप लोग ये गाली देने का काम कर रहे हो। प्रत्येक छात्र संगठन को, पूरे अल्मोड़ा के नहीं पूरे देश भर के, प्रदेश भर के छात्र संगठनों को गाली देने का काम आप लोग कर रहे हो। सरगना आपके वहां होते होंगे, हमारे वहां नहीं होते। आपके वहां तो सरगनाओं की मुझे लगता है लिस्ट होती होगी, अगर आप सरगना ही मानते हो। आपकी विचारधारा मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई नीरज, आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आपने पहले ये कहा, उसके बाद आप कहते हो AK-47, कुछ और नाम भी लेते, राफेल टैंक, अजमल आमिर कसाब, हाफिज सईद लादेन, ना भाई क्या हो गया मेरे समझ में नहीं आता। भाई तू किस मानसिक स्तर पर चल रहा है भाई, छोटे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आपको आपकी आने वाली हार इस तरह नजर आ रही है, आपके चेहरे पर बौखलाहट मुझे स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है मेरे भाई। और किस तरह की हिंसक विचारधारा आपके अंदर चल रही है मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। छात्र समुदाय मुझे लगता है इस बात का जवाब बहुत जल्दी आपको दे देगा। जो आप कह रहे थे आंसुओं की तरह देखा, छात्र समुदाय सब कुछ जानता है मेरे भाई। ये 2023 का युवा, जैसे कि मैं कहता हुआ आया हूँ, 2023 का युवा है, सब कुछ जानता है। आपकी हिंसक विचारधारा मुझे समझ में नहीं आता। परिषद के आप कार्यकर्ता हैं, इस तरह की विचारधारा आपको सिखाता कौन है? ऐसे आतंकवादियों के नाम जितने की शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने जब इनके बारे में न्यूज आई होगी तभी इनके बारे में सुना होगा, उसके बाद तो मुझे याद नहीं। लेकिन आपके दिमाग में इतना ही नाम घर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मानसिक स्तर थोड़ा बिगड़ चुका है, इसे सुधारिए मेरे भाई। तो ये रही आपकी सारी बातों के जवाब। और एक और भाई, फिर से एक और भाई बात कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन कल आज भाई कहता है कि आप बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मुझे खुशी होती है जब तू मेरी तारीफ करता है। वैसे मानव स्वभाव का ये मानव स्वभाव ही है, जब कोई तारीफ करता है तो खुशी होती है, तो मुझे भी हुई, अच्छी बात है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, आप ऐसा मेरी तारीफ करते रहें, लेकिन भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका मानसिक स्तर ठीक करे, ये मैं भगवान से ऐसे गुजारिश करता हूँ। और कोई बात मुझे ऐसी याद तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख उसी बात ने किया कि जो आप माता पिता के लिए बोल रहे हो, वैसे मेरे लिए नहीं मेरे भाई, किसी के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये बातें आपके घर परिवार के संस्कारों को दुनिया के सामने दिखाती हैं और आपका इससे नैतिक स्तर पता चलता है। तो मुझे लगता है इन बातों को आपके समझ में बातें आ गई होंगी। एक अंतिम बात और भाई कह रहा था कि आप हमारे मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में परसों मौजूद थे, आप क्यों आए? मैं भी वहां था तो आप यहां क्यों आए? तो मेरे भाई यही आपकी मानसिक विचारधारा है, ये आपका मानसिक संतुलन की स्थिति को आपको दिखा रहा है कि आपने क्या संघ सीखा और हमने क्या संघ सीखा। मेरे भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि मानव सेवा में हिंदुत्व के लिए काम करता है। लेकिन आप मुझे लगता है इस बात को नहीं समझेंगे, वहां मैं नहीं या कोई और नहीं, वहां प्रत्येक व्यक्ति, वहां प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक विदेशी भी वहां पर आ सकता है। वहां बसपा का कार्यकर्ता आ सकता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आ सकता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आ सकता है, वहां कोई भी आ सकता है। जो भी हिंदू है या जो भी अपने हिंदू होने की भावना को वहां पर समर्पित करता है या उस भावना को रखता है वहां पर पहुंच सकता है। तो ये बातें मत किया कीजिए। और इस बात से मुझे दुख हुआ कि आप लोग जिस मात्र संगठन को बात करते हो आप उसी की विचारधारा आपको पता नहीं है। वह व्यक्तिनिष्ठ होने की बात नहीं करता, वह तत्वनिष्ठता की बात करता है। मुझे लगता है कि आपको संघ को समझने की अभी बहुत आपके अंदर जरूरत है और आपको मानसिक स्तर अपना ठीक करने की जरूरत है और बहुत चीजें सीखने की आपको जरूरत है मुझे लगता है। और मैं आशा करता हूं कि आप ये चीजें जल्दी सीखेंगे और अपना मानसिक स्तर ठीक करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद साथ।